गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। और ये मच अवेटेड हमारा वीडियो है, मतलब हम इस वीडियो का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज से शुरू हो रही है हमारी हॉलीडे ब्लॉग। हम जा रहे हैं दिल्ली से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फुल फैमिली विद कैस्पर। तो बने रहिए, देखते रहिए, ये 3 दिन बहुत ही मजेदार होने वाला है। और मैं पूरे 4 साल बाद टूर पे जा रही हूँ, और दिल्ली से जिम कॉर्बेट तक का जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और स्पेशली आप अगर अपने फर बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ बुकिंग, क्या नहीं, और क्या हमें प्रॉब्लम फेस हुआ, क्या हमने अच्छा चीज़ किया, तो आप देखते रहिए जो भी प्लान कर रहे हैं अपना टूर। सो बने रहिए हमारे साथ। क्या डाल रहे हो? बैग्स। सारे। अच्छा, सो क्योंकि हम बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों का खाना, मेडिसिन, और क्योंकि वहाँ पे पूल है, और इसके लिए ये हमने ट्यूब, ये सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पर अब पैक कर ली है। और इवन आगे भी हमारा बहुत कुछ सामान है ये पैरों के नीचे, स्पेशली जो रॉ चिकन वगैरह है, क्योंकि मुझे कैस्पर के लिए तो वहाँ बनाना ही है। और साथ ये बैग जितनी महंगी नहीं है ना, उससे ज़्यादा इसके अंदर का सामान महंगा है, क्योंकि इसमें मेरे सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये गुम नहीं होना चाहिए। और गुब्बू और पापा मैचिंग मैचिंग ड्रेस, और वो हमारा बेटा कहाँ घूम रहे है, इधर उधर वो खुशी थे। रेडी, लेट्स गो, चलो। सो ट्रैवल बिगिन। हम बहुत एक्साइटेड है, और क्योंकि डे टाइम की ट्रैवल है, जंगल सफारी है, गॉगल्स बनता ही है। शुमिली, गुब्बू ने, मामा ने, मेरी सासू माँ ने ये नया कल एविएटर गॉगल्स खरीदी है, और सब रेडी है सिवाय हमारे कैस्पर के। उसको गॉगल्स नहीं पहना सकते, उसको तो मैं जूता तक नहीं पहना पाई हूँ आज तक। ठीक है, तो हमारी ट्रैवल शुरू। हिप हिप हुर्रे। ये हम, ये दिल्ली का है शांतिपत एरिया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिल्ली। आप अगर दोनों रस्तों पे देखें, ये रहा शांतिपत एरिया। यहाँ हमेशा ही आपको ना गाड़ी में ड्राइव करना एक अलग ही फीलिंग आती है। हमें करीब चलते चलते 40 मिनट हो चुका है, और 40 मिनट बाद हमें एक ये छोटी सी ढाबा, शिकंजी ढाबा हमें दिखाई दी, जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर उतर के ना कुछ खाया पिया जाए। और इसका लोकेशन इतना अच्छा था, ये शायद गाज़ियाबाद वाली नदी है जो बह रही है, क्योंकि हमने ये गाज़ियाबाद वाला फ्लाईओवर पकड़ा है, और इसे मैंने पहले भी देखी हुई है। तो ये हमारे पनीर पकौड़े, मैंने इसमें से थोड़ा सा टेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया। और ये चाय है, और साथ में चटनी दो। अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने टेस्ट किया, पता है ना। साथ में हमने ये शिकंजी ली हुई है। ये हमारा टोटल बिल आया है, और हमने यहाँ पे शिकंजी, चाय, पनीर पकौड़ा का एक प्लेट, मिक्स पकौड़ा, स्प्रिंग रोल ली हुई है, और टोटल हमारी बिल 500 रुपए की आई है। पर क्वालिटी वाइज बहुत ही टॉप नॉच है, टेस्ट क्वालिटी, सो वर्थ इट है, और थोड़ा ज्यादा होने से भी वर्थ इट। ये अभी हम ना, आप दूर से पता नहीं कितना दिख रहा है, अभी हम अक्षरधाम क्रॉस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर है, और मेरा कभी भी इसमें आना नहीं हुआ, हमेशा प्लान किया है, पर ये नेक्स्ट मेरा प्लान रहेगा यहाँ आने का। ये दिल्ली से जिम कॉर्बेट के रास्ते पे ये पहला पेट्रोल पंप हमारा आया है, और लगभग 100 किलोमीटर के बाद आई है। ये है नारायण पेट्रोल पंप, और स्पेशली लॉन्ग ड्राइव के रूट में पेट्रोल भरना बहुत जरूरी है, टंकी फुल होनी चाहिए गाड़ी की। पेट्रोल पंप से करीब 1 घंटे बाद ये शिवा ढाबा आया है, और बीच में और भी ढाबा था, पर ये वाला थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा था, तो हम यहाँ रुक गए। सो यहाँ हम एक शिवा ढाबा में आए हैं। ये है पर्टिकुलरली इनका मेन्यू, पूरा वेज मेन्यू है, पर अभी तक आई नहीं है, लग तो रही है कि स्टैंडर्ड है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी है। सो यहाँ हमने एक थाली ली है, यहाँ पे है दाल, सॉरी राइस, दाल फ्राई, मटर पनीर, मिक्स वेज, तंदूरी रोटी, पूरी मक्खन लगी हुई, ये मस्त है। साथ में हमारा ये है सैलड, मतलब अचार और प्याज, बट टेस्ट इज वेरी सुपर। हमने कोल्ड ड्रिंक कैरी किया, हाँ, और ये कोल्ड ड्रिंक हमने कैरी किया, ली नहीं है। यहाँ कैस्पर ना आगे जाके बैठ गया है, एक्चुअली उसको पीछे ना धूप आ रही थी, तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी, और एसी ना आगे बहुत तेज है, तो उसको पता है, वो इसलिए ना सबको हटा हटा के आगे पहले ही खुद बैठ जाता है।
सो करीब हमें ट्रैवल करते करते 5-6 घंटे हो चुके हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा हॉल्ट किया और 4-5 के करीब बज रहा है, 5 बज रहे हैं, और यहाँ कैस्पर को ना सातक ने थोड़ा हल्का करवाया, पॉटी सुसु किया और फिर से हम सफ़र के लिए निकल गए। और ये अब हम जिम कॉर्बेट के काफ़ी नज़दीक है, आप आसपास देख रहे हो कितनी ग्रीनरी है और एक जंगल वाली वाइब आना शुरू हो चुका है और थ्रिलिंग। और फाइनली हम अपने जिम कॉर्बेट पहुंच गए, पर वहाँ से जो हमारा रिजॉर्ट है ना वो काफ़ी अंदर है और ये काफ़ी रात हो चुकी है, तो हमें एक स्पॉट में पहुँचना है। उस स्पॉट में पहुँचने के लिए यहाँ हम नदी क्रॉस कर रहे हैं देखो, और काफ़ी ये थ्रिलिंग था और थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी सुनसान सी जगह थी और यहाँ काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हमें बहुत डर भी लग रहा था कि हम सही लोकेशन में पहुंच रहे हैं कि नहीं, और इवन हमारा नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। सो अभी हम ओपन जिप्सी में हैं, ये रिजॉर्ट की ही उन्होंने जिप्सी भेजी है और यहाँ हम ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते, इट्स वेरी रिस्की। कुछ क्या बात करो, ज़्यादा बात मत करो। फाइनली हम रिजॉर्ट पहुंच गए हैं, मतलब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे रिस्की वाला टूर था, ऑनेस्टली बता रही हूँ। इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना ये यहाँ पर घुसकर, और वो ये जगह भी काफ़ी डेंजरस है, एकदम जंगल के बीचों बीच, पर स्टिल मुझे लग रहा है कि चलो मतलब मेरी जान बची और साथ में क्योंकि हम कैस्पर को लेके, तो मैं और ज़्यादा डर गई थी। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग इतना डर गए थे क्योंकि मतलब इतनी जंगल के रास्ते से, और ऊपर से वो भैया ने बोल दिया कि मैन ईटर्स वो तो नहीं है, पर इस ईयर में 30 केसेस हो गए जब उन्होंने ऐसे शिकार कर लिए टाइगर्स ने, तो चलो वो बात की बात है। अभी मैं आपको स्पेशली रूम टूर कराती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, तो पहले रूम टूर और होटल टूर बाद में। सो यहाँ से हमारी रूम की शुरुआत हो रही है, एक फ्रंट बालकनी जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, और यहाँ से ये एंट्रेंस, और पूरा ही वुड पे इन्होंने डेकोरेशन की हुई है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है। सो ये हमारा बेडरूम है, ये जो फर्स्ट बेडरूम है नीचे वाला, यहाँ पर एक सिटिंग है, ये बेडरूम, और ये एक हमारा मिरर है, और आप हमारी हालत देख सकते हैं क्या हाल हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते, एक ब्यूटिफुल सा मिरर है, और यहाँ पर एक फ्रिज है छोटी सी जैसे यूजुअली अवेलेबल रहती है हमारे लिए, ये टी कॉफ़ी के लिए एक जंक्शन है, साथ में एक टीवी, और यहाँ पर मेन लगेज वगैरह रखने के लिए इन्होंने बनाई हुई है। अभी तक मैंने भी एक्चुअली मेरा फर्स्ट है, मैंने भी अभी तक पूरा रूम देखा नहीं है। ये क्या है, कुछ कबर्ड जैसा लग रहा है। ओके यस, ये कबर्ड है, ये कबर्ड है, और ये है ब्यूटिफुल क्लीन एंड नाइस, क्योंकि मुझे किसी भी कहीं भी रिजॉर्ट का ना सबसे अच्छा जो पार्ट लगता है वो है जो बाथरूम, अगर बाथरूम अच्छा नहीं हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल क्लीन बाथरूम, और ये जो है एमिनिटीज दी हुई है, और हमारा कैस्पर वो भी देख रहे हैं। अब यहाँ से एक जो ये रहा बेडरूम, एक फर्स्ट बेडरूम, और यहाँ से एक छोटी सी सीढ़ी जाती है ऊपर का वाले बेड के लिए, और गुब्बू बहुत एक्साइटेड, गुब्बू देख चुका है, गुब्बू चलो चलो मामा को भी देखने दो, कम ऑन मामा को दिखा दो, चलो लेट्स गो। सच में एक्साइटिंग टूर है ये बहुत ज्यादा, ओ वाओ, ओ वाओ, ये एक ऊपर का बेडरूम है, हाँ मैं लाइट जलाती हूँ, वाओ, और इस तरह का ये, और यहां से आप नीचे का बेडरूम देख सकते हैं, ब्यूटीफुल स्पेस, ब्यूटीफुल। अभी हम ऊपर वाले रूम में, एंड कैस्पर को ये वाली जो बेड है ना, ये थोड़ी लोअर सिटिंग वाली बेड है, इतनी अच्छी लग गई है ना, और मुझे भी ये वाला जो स्पेस है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू द नीचे वाला, इट्स सो कूजी। हाँ हाँ, वो तो हमारा ड्राइवर लेटा है वो रहा कैश्यू बुला रहा है आप मुझे कि बेड में आओ, बेड में आओ, बेड में आओ, मामा कैश्यू आई लव यू, आई लव यू, और वो रहा गुब्बू, उसको ये स्टेयर्स इतनी अच्छी लग गई है, तब से ऊपर नीचे उसको आज एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा प्यारा लाडो,
हाँ मेरा प्यारा लाडो, तू ही तो मेरा शेर है, तू ही तो मेरा शेर है। पर आज मम्मा डर गई थी तेरे लिए, मेरा शेर। मैं असली शेर से डर गई थी कि मेरे इस शेर का क्या होगा। तूने आते ही घर गंदी कर दी। कैस्पा, ओ सॉरी होटल, मम्मी होटल है, मम्मी मम्मी होटल है, मामा कुछ पच्चो मेरा शेरू। सो फाइनली हमारा डिनर आ गया है, और ऐसे तो वहाँ बफे बैठता है, पर आज हमने, क्योंकि काफी रात हो गई है, 10 बज गए हैं, तो हमने रूम सर्विस ऑर्डर की है, और क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। सो एक बहुत ही लाविश डिनर उन्होंने हमारे भेजा था, और सारा दिन ट्रैवल करने के बाद हमें ज़ोरों से भूख भी लग गई थी। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि बहुत ही ज़्यादा होम कुक टाइप था, बहुत ही मतलब ज़्यादा तेल मसाले नहीं थे, लाइट बट फ्लेवरफुल था, और एक उत्तराखंड के फ्लेवर का टच था। और ये एक मिक्स वेज उन्होंने दी, चावल दी, दाल दिया था, गर्मा गर्म रोटी, शाही पनीर, चिकन, आलू भिंडी, और उन्होंने एक रायता भेजा था जो लौकी की थी, जो स्पेशल आई थिंक उत्तराखंड की थी, और साथ में सैलेड। सो हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है, और मैंने अपना नाइट ड्रेस चेंज कर लिया है। ऑनेस्टली अभी भी अंदर मुझे, मैं क्या बताऊँ, हम जिम कॉर्बेट पार्क आकर कह रहे हम सफारी नहीं जाएंगे, हम इतना डर गए, और क्योंकि वापस उसी रास्ते से जाना है, और जिम कल जो हमारी सफारी है वो 3:30 है, और वो कम से कम 7 बजे तक होगी, 6 बजे खत्म होगी। तो 6 बजे खत्म होने के बाद वो 1.5 घंटा से 2 घंटा मुझे ये रिजॉर्ट आने में लगेगा, एंड जो लैंडस्लाइड है ऑब्वियसली कल तक तो ठीक नहीं होने वाला, तो इसी रास्ते से मुझे वापस आना है, विच इज क्वाइट रिस्की बच्चे के साथ। ऑल्दो कल कैस्पर को मैं हम होटल में रख के ही जाएंगे, रिजॉर्ट में रखकर, पर अभी भी हम श्योर नहीं है, मतलब अभी भी हमने, मतलब हमने, हमारा डिनर हो गया, हमें आए हुए 2 घंटे हो गए, पर वो जो एक टेरर है ना, कि मतलब जिस जो एक्सपीरियंस किया है ना हमने, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। मतलब सार्थक तो था कि भाई मैं पहले कूद जाऊंगा, और तुझे शायदिनी को तो पता है कि मेरे क्या इंश्योरेंस है, क्या है, ये बच्चे संभाल लेगी, पर यू नो अपने लाइफ सैक्रिफाइस करके उसकी फैमिली बचा लेगा, दैट्स रियली स्वीट। मतलब इस तरह के ख्याल आ रहे थे, और मेन था कि यू नो गुप्पू जो था वो आगे जिप्सी में बैठा हुआ था, और हम ओपन एरिया में कैस्पर को लेकर, मेन क्या होता है ना, अगर आप गाड़ी में बैठ, मतलब टाइगर अटैक होता भी है, आपको साइलेंट रहना चाहिए, पर अगर कैस्पर साथ है, कैस्पर वो देखती, वो डर के वो भौंकेगा, तो उसमें तो वो सबसे पहले कैस्पर को अटैक करेगा, हम उसके लिए ज्यादा डर गए थे। मतलब मैं क्या बताऊँ, और वापस भले मैं कल सफारी में जाऊँ नहीं जाऊँ मुझे नहीं पता, पर अगले दिन, मतलब हमें वापस घर तो जाना है ना 2 दिन बाद, इसी रास्ते से क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, मतलब हम अभी भी डरे हुए। तो इसी के साथ जो day 1 का ब्लॉग है मैं खत्म करती हूँ। आई होप यू एंजॉय इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, एंड यू नो प्लीज लाइक द हिट बटन, और साथ में बेल आइकन दबाइए। आप बेल आइकन काफी लोग नहीं दबाते, जिसकी वजह से मेरी जो न्यू वीडियोज है वो आपको पता नहीं चलते, तो प्लीज बेल आइकन को भी दबाए और शेयर करें जितना पॉसिबल हो। सो लव यू, बाय, गुड नाइट।